नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशीष 93 पे। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। थैंक यू। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर, द आर्टिस्ट, है ना, जिसे लिखा है सिगा नोया ने। आर्टिस्ट डैट मीन्स कलाकार। हर वो व्यक्ति कलाकार होता है, चाहे आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आप भी एक कलाकार हैं। इट मीन्स हर वो इंडिविजुअल व्यक्ति एक ना एक चीज़ का कला जरूर रखता है। किसी में गीत गाने की कला होती है, किसी में हंसाने की कला होती है, किसी में खेलने की कला होती है, किसी में पढ़ाने की कला होती है, किसी में अच्छे से पढ़ने की कला होती है। इट मीन्स हर वो व्यक्ति में कुछ न कुछ अपना खुद का कला होता है। तो आज यहाँ पर देखेंगे एक सीबी नाम करके बॉय है, जिसे पात्र बनाकर इस चैप्टर में लिखा गया है सिगा नोया ने। चलिए, और बड़ा ही मज़ा आएगा, और मेरा आशा विश्वास भरोसा भी है, और हर बार मेरे अकॉर्डिंग दो क्वेश्चंस तो जरूर रहता है इसमें से, और आज भी रहने वाला है, और अंत तक बने रहिए, मैं जरूर बताऊंगा कि वो दो क्वेश्चन कौन सा है। थैंक यू। चलिए, फर्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वेयर डिड सीबी लिव, इट मीन सीबी कहाँ रहता था, राइट? तो अच्छा, एक मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में बात। अगर वेयर लगा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कोई प्लेस का बात हो रहा है। अगर यहीं पे लिखा रहे हैं, है ना, WHEN वेन, है ना, अगर वेन लिखा रहे तो क्या हो जाएगा आपका, कब, राइट ना? इसका मतलब कि जन्म और मृत्यु पूछा जाएगा, राइट ना? और हाउ मतलब तो चलिए कैसे होगा, तो सिंपली आप इतना समझिएगा, अगर कहीं पर वेयर आ रहा है तो इसका मतलब तो प्लेस की बात कर रहा है। मैं फिर से क्वेश्चन को दोहराऊंगा, वेयर डिड सीबी लिव, सीबी कहाँ रहता था। तो बहुत ही आसान सा आंसर है, और देख लीजिए एक ही लाइन लिखने का आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, राइट? तो सेवई लिव्ड इन ए स्मॉल हार्बर टाउन ऑफ जापान, मतलब सेवई कहाँ रहता था, हार्बर टाउन में रहता, और ये हार्बर टाउन कहाँ पर है, जापान में, राइट? अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ गाउट डिड सीबी लाइक, इट मीन सीबी किस प्रकार के गाउट को पसंद करते थे, राइट? सीबी लाइक्ड इवन एन सेमिटिकल टाइप ऑफ गाउट। सेमिटिकल मीन्स होता है सुडोल, ठीक है? तो सीबी को किस प्रकार का गाउट्स पसंद था लोकिंग, तो सेमिरिटिकल, जो सुडोल हो बिल्कुल, राइट? अगला क्वेश्चन कहता है 3 नंबर कि व्हाई डिड कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेक सेवेस लाफ इनवर्डली, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से रंगने में। सेवई के फादर और उसके फ्रेंड्स जो बातचीत कर रहे थे, परंतु सीबी जो है ना सुनकर उन दोनों के बात को, है ना, सुनकर ये अंदर अंदर इनवर्डली हंस रहे थे, बट क्यों, राइट? चलिए आंसर देते हैं हम लोग। कहते सिबीज फादर एंड हिज फादर वर टॉकिंग अबाउट अ बिग साइज्ड गाउड, मतलब एक बड़ा ही बड़ा साइज का लौकी के बारे में वो लोग दोनों, उसके फादर और उनके फ्रेंड्स बात कर रहे थे। इन द एग्रीकल्चर शो एट लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल जब उनके फादर और उनके मित्र दोनों गए थे ना एग्रीकल्चर शो में, तो उन्होंने देखा था बहुत ही बड़ा सा गाउड। और देखिए सीबी को क्या चाहिए था, 5 इंच का बिल्कुल सुडोल गाउट चाहिए था, और अब यहाँ बड़ा सा बात हो रहा था इसलिए हंस रहा था अंदर ही अंदर। दे फाउंड इट अमेजिंग बट इट सीम्ड लाइक ए स्टूपिड ऑब्जेक्ट टू सीबी, लेकिन समझ रहे हैं उनको ना एक बिल्कुल घटिया सा लग रहा था कि यार ये मैं क्या चाहता हूँ और हमारे फादर मुझे क्या देना चाहते हैं, राइट? डैट्स व्हाई, यही कारण है कि ही वॉज लाफिंग इनवर्डली एट देयर, है ना, इंटरेस्ट, मतलब उनका जो भाव था, उनका जो रुचि था, वैसा नहीं होकर कुछ और उसके फादर बोल रहे थे, जिसके वजह से वो इनवर्डली हंस रहे थे, राइट? इनवर्डली मतलब होता है अंदर ही अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड सीबीज फादर शाउट एट हिम, मतलब सीबी के फादर उस पर क्यों चिल्लाते हैं। तो देखिएगा, सीबीज फादर शाउटेड एट हिम बिकॉज ही, है ना, डिड नॉट लाइक हिम इंटरप्रेटिंग देम,
देखिए सेवे के फादर इसलिए उन पर चिल्लाते हैं क्योंकि सेवे के फादर उन्हें मना करते हैं कि भाई तुम पढ़ लिख लो और ये गाउट वगैरह कलेक्टिंग करने में कुछ भी नहीं है, तो इस तरह का इसमें कोई जीवन नहीं है, तुम पढ़ लिख लो। ठीक, और मैं बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि मेरा शौक मेरा बेटा पूरा करे। कहने का मतलब अगर मेरे पेरेंट्स टीचर नहीं बन पाए तो वो चाहते हैं मेरा बेटा टीचर बने, मेरे पेरेंट्स अगर एक ऑफिसर नहीं बन पाए तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा ऑफिसर बने, हमारे पेरेंट्स अगर आर्मी फोर्स में नहीं जा पाए तो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा फोर्स में जाए, मेरी बेटी बने, राइट। परंतु ये कभी नहीं पूछा जाता कि बेटा तुम्हें क्या बनना है। अगर वास्तव में ये पेरेंट्स पूछे कि तुम्हें क्या बनना है और उसके हिसाब से कुछ पैसे का अरेंजमेंट और कुछ उसके लाइफ के है ना हिसाब से देखकर अगर उसकी सक्सेस को देखा जाए तो मैं जानता हूँ कि बहुत जल्दी स्टूडेंट सक्सेस ले लेंगे, परंतु ऐसा होता नहीं है। लोग करते क्या है कि भाई मेरा मन है कि तुम डॉक्टर बनो तो चलो तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है, परंतु स्टूडेंट्स क्या चाहता है उसकी दिली इच्छा को समझना चाहिए पेरेंट्स को, है ना, तभी मुझे लगता है कि एक सक्सेस रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। थैंक यू। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। Why did CB wondered about the town? मतलब wonder मतलब होता है ना विचलित करना, घूमना एक तरफ से दूसरे तरफ जाना। क्यों wonder हो रहे थे, क्या कारण था? देखिए CB always wondered in the market to find some gouts. CB हमेशा मार्केट को wonder करते थे, घूमते रहते थे क्या करने के लिए, वो find करते थे कि gouts मुझे कहाँ मिलेगा, है ना, of choice even है ना and symmetrical मतलब सुडोल तरह के उनको गाउट कहाँ मिलेंगे, इस चीज के चक्कर में हमेशा पड़े रहते कहाँ मिलेगा मुझे। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड सेवेस हार्ट बीट फास्टर, मतलब किस चीज ने सेवे के दिल के धड़कन को बढ़ा दिया। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सडनली देखिएगा हुआ क्या था, मैं बताता हूँ किस चीज ने उसके हार्ट के दिल के धड़कन को बढ़ा दिया था। जैसे देखिए आप भी किसी चीज को पसंद करते हैं, है ना, चाहे कॉपी किताब घर द्वार मतलब कोई भी वस्तु हो, खाने से लेकर पहनने तक कोई भी वस्तु हो जिसे आप बहुत पसंद करते हैं और वो आपका हॉबी है, राइट, और वो दिख जाए सामने तो आपको लगेगा यस यही तो मुझे चाहिए था, परंतु कुछ पल के बाद वो वहां से डिस्पेयर हो जाए, अलग हो जाए, हट जाए, तो आप कहेंगे अरे यार मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दी, मुझे मिल नहीं पाया, राइट ना। तो वैसा ही इससे भी के साथ हुआ था कि जब वो ना गाउट लेकर आ रहे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति थे बीच के किनारे, परंतु सिवे का अचानक से ध्यान वहां से हट गया और वो बूढ़ा व्यक्ति चले गए, तभी इन्होंने कहा कि इनके दिल की धड़कन जो है ना बहुत तेज हो गया। अच्छा दूसरी बात ये भी था कि इन्हें 5 इंच की गाउट चाहिए होता है और एक बूढ़ी औरत की दुकान में ये जाता है और वो बहुत सारा भंडार से लगा होता है गाउट्स का और वहीं 5 इंच का इन्हें गाउट मिल जाता है, जिसे देखकर और भी इनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। चलिए सीबी काउट साइट ऑफ गाउट वन विच वॉज अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग, सेवे का ध्यान अचानक से भटक जाता है क्योंकि जितनी जिस चीज किसी जरूरत होती है वो थी 5 इंच लंबी होनी चाहिए गाउट, समथिंग अबाउट इट मेड सेवेस हार्ट बीट फास्टर, यही कारण है कि उसके दिल की धड़कन को तेज कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे विच इज कॉल्ड इफ नीडी पास टाइम इन द स्टोरी, मतलब किसे कहा गया है बिल्कुल पास टाइम कि तुम हो नहीं किसी काम के लिए, तो इन द स्टोरी द एक्टिविटी और हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गाउट्स इज कॉल्ड इफ नीडिंग पास टाइम, मतलब देखिए उसके पेरेंट्स के हिसाब से गाउट्स को कलेक्ट करना एक मतलब समझ लिया निकम्मा सा काम था, पास टाइम था, लोग समझ नहीं पा रहे थे। परंतु आपको अगर मैं इस स्टोरी पढ़ाऊंगा तो वाकई में आपको लगेगा कि नहीं एक पेरेंट्स ने एक स्टूडेंट के साथ मतलब एक बहुत अच्छा बच्चा के साथ गुनाह कर दिया है क्योंकि वो बच्चा बहुत अच्छा बनना चाहता था परंतु उसके साथ हुआ नहीं। देखिए हाउ डिड सेवेस फादर है ना रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, मतलब सेवे के फादर ने क्या रिएक्ट किया टीचर के कंप्लेंट पे। देखिए टीचर्स का कंप्लेंट ये था कि एक इथिक क्लास चल रहा था, नैतिक क्लास चल रहा था, उसमें सिवे ने क्या करा था स्कूल में जाकर गाउट्स को पॉलिश कर रहा था, राइट, जिसके कारण वो पकड़ा गया जापान के एक टीचर के हाथों और उसको उनके पेरेंट्स के पास वो कंप्लेंट लेकर आए कि ये सारा छोटा छोटा सा काम आप पेरेंट्स का है, आप स्कूल में इस तरह का मिस्टेक करवा रहे बच्चों से, संभालिए।
तो उसकी मम्मी तो पहले डांट खाई टीचर से, उसका टीचर चले गए, तो उसके फादर जैसे घर आए तो उनकी माँ उनको समझा रही थी सीबी को, इतने में उसके फादर ने पूछा क्या बात है, तो उनकी माँ बताई टोटल चीजें, तभी उनके फादर ने इसके कॉलर को पकड़ा और साउंड बीट दिया। ठीक है, सेवेज फादर समझिएगा, हाउ डिड सेवेज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, मतलब टीचर के कंप्लेंट में क्या उन्होंने रिएक्ट लिया। देखिए, सेवेज फादर बिकम वेरी एंग्री सून एंड ही ग्रैब्ड सेवी बाय हिज कॉलर, सेवी के फादर ना बहुत जल्दी जो है ना गुस्से में आ गए और उससे सेवी को कॉलर से पकड़े एंड गेव हिम साउंड बीटिंग, और बड़ा ही जोर जोर से चिल्लाए, उनको ज्यादा से ज्यादा गुस्सा दिखाए। चलिए अगला देखिएगा, हाउ मच डिड द कोरियो डीलर पे फॉर द कंस्ट्रिक्टेड गाउट, मीन्स कोरियो डीलर ने उस कंस्ट्रिक्टेड गाउट के लिए कितना पे किया था। देखिए हुआ क्या था ना, कि आपको मैं स्टोरी बताऊंगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए, द कोरियो डीलर पेड द पोर्टर 50 yen फॉर कंस्ट्रिक्टेड गाउट, कंस्ट्रिक्टेड मतलब तो छीना हुआ। तो जो देखिए टीचर ने जो सिविक हाथ से गाउट को छीना हुआ था वो दे दिया था पोर्टर मतलब चपरासी को, चपरासी के एक दिन घर में ना अकाल आ गया पैसे की, तो उन्होंने वो बेचने के लिए गया मार्केट, तो मार्केट में उसे 50 yen मिला, और ये 50 yen 1 yen बराबर होता है 69 rupees, और उन्हें एक साल का समझ ली तनख्वाह मिल गया था एक गाउट से, राइट। चलिए अगला देखिए, अगला क्या आज का लास्ट क्वेश्चन ही है, देखिए 5 नंबर, व्हाट डिड सीबी डू आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गाउट, मतलब उसके फादर ने कहा देखो बेटा अब तुम गाउट्स को कलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है इस छोड़ दो तुम, तो उसके बाद उसने क्या करना शुरू किया, तो सीबी स्टार्टेड पेंटिंग व्हेन ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गाउट्स, जब गाउट्स को कलेक्ट करना उन्होंने मना कर दिया तो उसके बाद क्या करने लगे, ये पेंटिंग करना शुरू कर दिए, फिर भी बाद में पेंटिंग करना भी उनको मना कर दिया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो कमेंट में थैंक यू लिखिएगा, या फिर आप कुछ अच्छा कमेंट करिए, हाँ सर आप कमेंट करते तो मुझे बहुत पावर मिलता है, मैं यूट्यूबर से सुनता था परंतु आज मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ लाइक कमेंट और शेयर में कितना पावर होता है। थैंक यू।